भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 7 बजे राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि प्रधानमंत्री के लाल किला पर तिरंगा फहराने से पहले ही मध्य रात्रि में कानपुर में तिरंगा फहराने की परंपरा रही है। कानपुर में आजादी के बाद से ही रात 12 बजे तिरंगा फहराने की परंपरा का पालन किया जाता है। 1947 से ही ये परंपरा अविरल चल रही है। मध्य रात्रि में उत्साह के साथ आजादी का उत्सव मनाया जाता है। कानपुर में 14 और 15 अगस्त की रात को जैसे ही घड़ी की सुई में 12 बजते हैं, झंडा रोहण किया जाता है। कानपुर शहर के मेस्टन रोड के बीच वाले मंदिर के पास ये परंपरा 1947 से मनाते चले आ रहे हैं। यहाँ सबसे पहले 1947 को 14 अगस्त की रात 12 बजे तब झंडा फहराया गया था जब भारत ने लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद आजादी हासिल की थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होना था, देश को आजादी मिलनी थी, देश के आम नागरिकों को ये सूचना 14 अगस्त को मिल चुकी थी। जब 14 अगस्त को ये सूचना मिली तो कानपुर का आम जनमानस सहित पूरे देश का आम नागरिक उल्लास से सराबोर हो गया था। उस समय ये झालरें नहीं हुआ करते थे, तब दियों से सजावट की गई थी, चांदी की सिल्लियों से सजावट की गई थी। उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पर्व को हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति मना रहे हैं। ध्वजारोहण करके हम लोग स्वतंत्रता देवी का आह्वान करते हैं, आतिशबाजी छुड़ाई जाती है। वहीं अग्निहोत्री ने बताया कि कोरोना की वजह से चल रहे लॉकडाउन की वजह से कुछ पाबंदियों का ध्यान रखा गया है। वर्तमान स्थिति में पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए अब की हम लोगों ने कार्यक्रम में भी कुछ कार्यक्रम स्थगित किए हैं। जैसे राष्ट्रीय पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता था, हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होते थे। इस आजादी के पर्व को किस तरीके से मनाया आप लोगों ने? देखिए, हम लोग तो प्रत्येक वर्ष आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय धुनें बज रही हैं, और चूंकि लॉकडाउन के कारण अब की हम लोग उस उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को नहीं मना पा रहे हैं, जिसके लिए कानपुर जाना जाता है। अब पूरे देश में कानपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर 14 तारीख की रात में ध्वजारोहण होता है, स्वतंत्रता देवी का आह्वान होता है, और उसके बाद 15 अगस्त को जो जुलूस निकलता है और जनसभा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो पूरा शहर तिरंगामय हो जाता है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने का काम पूरा शहर करता है। कानपुर शहर की ये परंपरा बेहद अनोखी है। परंपरा से पता चलता है कि हमारे महान देश की जनता अपने इतिहास के प्रति बेहद जागरूक है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।